वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। देखिए 74 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे, यह है टेस्ट नंबर 75। इम्पोर्टेंट होंगे सारे के सारे प्रश्न। टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन है बताइए, ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन है? तो ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने। किसने? प्रिस्टले ने। तो ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। क्वेश्चन नंबर टू है, विश्व प्रसिद्ध जो कश्मीर वैली है और डल झील है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। ये इम्पोर्टेंट है, पहले कई बार पूछा हुआ है। तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील मतलब झेलम नदी पर स्थित है और दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियों बालटोर और सियाचिन इसी प्रदेश में है, जबकि कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश और धौलाधर और पीर पंजाल में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है। हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है तो पूरब से उत्तर की ओर क्रम बताना, बताइए इनका। हिमालय पर्वत श्रेणियों की पूर्वी पहाड़ियों का, ध्यान से पढ़ लीजिए, पूर्वी जो पहाड़ियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना, मतलब नॉर्थ टू साउथ क्रम बताना है, बताइए। तो सबसे पहले आएगा देखिए पटकाई बूम, उसके बाद नागा पहाड़ियां, उसके बाद आएगा मिजो पहाड़ियां, फिर आएगा मणिपुर पहाड़ियां। देखिए रुकिए रुकिए रुकिए, सबसे पहले आएगा पटकाई बूम, उसके बाद नागा पहाड़ियां, फिर आएगा मणि पहाड़ियां, उसके बाद आएगा मिजो पहाड़ियां। तो ए हो जाएगा इसका, जो मणि है वो मिजो से थोड़ा ऊपर हैं। देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर कर क्रम सजाना हो तो सबसे पहले पटकाई बूम, नागा पहाड़ियां, मणि पहाड़ियां, फिर मिजो या लुहास पहाड़ियां हैं। यह एक नीची पहाड़ी क्षेत्र है जहां ज़्यादातर पहाड़ियां छोटे बड़े नदी नालों से अलग होती हैं। देखिए ज्योग्राफी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप एक ऑक्सफोर्ड का एटलस खरीद लें और ज्योग्राफी देखिए क्या माइंड में चलती है सीधे। ज्योग्राफी के जो प्रश्न होते हैं सीधे माइंड में चलते हैं। अगर आपने इंडिया का मैप पूरा अच्छे से देख रखा है, वर्ल्ड का मैप, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और मेंस में भी लिखने में भी काफ़ी हेल्प होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर है, बराकर रिवर किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो बराकर है मिजोरम और मणिपुर की। बी इम्पोर्टेंट, बी है इसका आंसर, इम्पोर्टेंट रिवर है। तो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलकर जो बराकर नदी है, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलने वाली बराकर नदी मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। बराकर नदी मेघना नदी की एक सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदविन नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो कि म्यांमार में बहने वाली इरावदी की एक सहायक नदी है। देखिए ध्यान देना यहाँ पर क्या लिखा, मणिपुर के पूर्वी भाग में जो बहने वाली नदियाँ हैं वो चिंदविन नदी की सहायक नदियाँ हैं, और जो चिंदविन नदी है वो इरावदी रिवर की सहायक रिवर है। सब एक दूसरे से संबंधित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया लोअर पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है बताइए? वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरते ही जैसे वह लैंडिंग होती है एवं रुकता है तो टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में नाइट्रोजन गैस का दबाव जब टायरों में भरते हैं तो विस्फोट होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन भरी होती है उसमें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, एक तरफ है दर्रे एक तरफ है राज, तो बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मतलब तीन करेक्ट होंगे यहाँ पर, एक होगा इनकरेक्ट। सो सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में करेक्ट है, नाथुला सिक्किम में करेक्ट है, लिपू लेक तो उत्तराखंड में है अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी है, नीतिला लिपू लेक माना दर्रा ये सब उत्तराखंड के ही दर्रे हैं, डी इनकरेक्ट है यहाँ पर।
तो लिपू लेक दर्रा जो है भारत चीन सीमा पर स्थित उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। निम्न ताप पर सेल्सियस पैमाने व फारेनहाइट पैमाने का पाठ्यक्रम समान होते हैं, बताइए इनमें से कौन सा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहले पूछा गया है कई बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा -40°C। सो -40° ताप पर सेल्सियस पैमाने पर फारेनहाइट पैमाने का पाठ्यक्रम समान होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में, पाल घाट गोवा में, भोर घाट केरल में, दिफू अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए, दिफू दर्रा तो अरुणाचल प्रदेश में करेक्ट है और ये थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में करेक्ट है। जो पाल घाट दर्रा है इसने सही सुमेलित नहीं पूछा, हमको गलत छांटना, तो दो तो करेक्ट हो गया, आंसर हमको मिल गया। जो पाल घाट है वो केरल में है और जो भोर घाट है वो महाराष्ट्र में है, गोवा में या केरल में, जो सामने जो लिखा है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, बी हो जाएगा इसका। तो देखिए, जो पाल घाट दर्रा है, पाल घाट दर्रा पश्चिमी घाट में बसते दर्रा, यह है दक्षिण भारत में, केवल दक्षिण भारत में केरल राज्य में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित यह दर्रा केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के बीच यातायात के लिए प्रमुख मार्गों की भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं भोर घाट दर्रे की। तो भोर घाट महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित एक बेहद खूबसूरत दर्रा है। यह दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से फॉर्मिक एसिड और पावर एल्कोहल, एसिटिलीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लिए जाते हैं और अलग अलग तरह से पूछ लिए जाते हैं कि फलों को पकाने में कौन सी गैस लगती है, तो इथिलीन लगती है, और फलों को प्रिजर्व करने के लिए, तो देखिए फलों को प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मिक एसिड का भी यूज़ किया जाता है। ये चींटी निकालती है, अगर चींटी काट लेती है तो आपके शरीर में फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, और फॉर्मिक एसिड के 2-3 यूज़ हैं, जैसे फलों को प्रिजर्व करने में, प्रिजर्वेटिव के यूज़ में, और क्या है, एंटीबैक्टीरियल के यूज़ में। तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देखिए, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो रेनफॉल बहुत अच्छा, तो सदाबहारी वन होंगे यहाँ पर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह विषुव तीव्रत के समीप स्थित है, यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, इस कारण यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, डेंगू जो होता है ना, डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? तो देखिए, तो पता ही होगा सबको कि वायरस के कारण ही होता है, तो डेंगू ज्वर विषाणु के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं? तो यहाँ पर मेघालय का पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, कर्नाटक का पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, कोयम्बटूर का पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, मालवा का पठार और पालायू का पठार, ये सबके सब प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो प्रायद्वीपीय पठार अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग का पठार, पालायू का पठार, रांची का पठार, मालवा का पठार, कोयम्बटूर का पठार और कर्नाटक का पठार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और भी आ गया देखिए इसमें, मालवा और कार्बी एंगलोंग का पठार भी मुख्य प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, जो भ्रंश घाटी बनने के कारण छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है इसमें? तो देखिए, ये बोला नहीं अभी, ये प्रश्न 2-3 तरह से पूछा जा सकता है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, फलों का संरक्षण। तो इसका आंसर है वेंजोइक एसिड, वेंजोइक एसिड मिलाया जाता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए, प्रिजर्वेटिव के यूज़ में। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए वेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ताकि लंबे समय तक खाद्य पदार्थ खराब नहीं हो, उसमें फंगस नहीं लगे। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है? तो दक्षिण कार्डमम और पश्चिम कठियावाड़ प्रायद्वीप पश्चिम में, कार्डमम दक्षिण में, राजमहल जो पहाड़ियाँ हैं वो पूरब में, और जो दिल्ली कटक है वो उत्तर पश्चिम में। तो ये तो करेक्ट ही लग रहा है। अब राजमहल पहाड़ियाँ पूरब में हैं क्या?
कठियावाड़ प्रायद्वीप पश्चिम में और कार्डमम दक्षिण में, ये भी करेक्ट है। तो इनमें से एक गलत है, तो कौन सा हो जाएगा? वो सी हो जाएगा, जो कठियावाड़ प्रायद्वीप है वो पश्चिम में नहीं है। पश्चिम में नहीं है तो कहाँ पर है? देखिए ज़रा, देखिए, नदियों के मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीप पठार तिकोने आकार वाला कटाफटा भूखंड है, उत्तर पश्चिम में दिल्ली। ये तो करेक्ट हो गया, दिल्ली कटक अरावली का विस्तार है, इतना हो गया करेक्ट। पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, ये भी करेक्ट है। पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में, पश्चिम में तो गिर पहाड़ियाँ हो गई और दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ, सही है। प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएँ निर्धारित करती हैं। उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्वी एंगलोंग का पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। तो हमको आंसर क्या निकलवाना था? कठियावाड़ प्रायद्वीप। सो कठियावाड़ प्रायद्वीप हो गया। देखिए फिर से रीडिंग मारते हैं इसकी। नदियों के मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीप पठार तिकोने आकार वाला कटाफटा भूखंड है और उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक और पूरब में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में हो गई कार्डमम इलायची पहाड़ियाँ, प्रायद्वीप पठार की सीमाएँ निर्धारित करती हैं। और उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्बी एकलांग का पठार भी इसी भूखंड का हिस्सा है। तो ये उत्तर पश्चिम में हो गया ना कठियावाड़, इसी के अंदर तो आता है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से संबंधित, पहले देखिए कौन कौन है। तो विलियम जोन्स है और नेथेलियन हॉल हैंड भी है और हेनरी थॉमस कोलब्रुक भी है, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग नहीं है। तो विलियम जोन्स ने हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेलियन हॉल हैंड के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है, विनिपेग झील किस देश में स्थित है? विनिपेग झील चीन में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, रूस में नहीं है, विनिपेग झील है कनाडा में। सोचिए ठंड कहाँ पर पड़ती है? बिनी को पेग पीना है, बिनी को एक पेग पीना है क्योंकि उसको सर्दी लग रही है, तो कहाँ सर्दी कहाँ लगनी चाहिए उसको? कनाडा में लगनी चाहिए। तो ये एक ट्रिक होती है याद करने की, विनिपेग झील कहाँ पर? कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होगा? इनमें तो सामान्य ताप पर इनमें ठोस अवस्था में आयोडीन ही होगा। देखिए क्लोरीन ब्रोमीन फुलरेन, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन हेलोजन समूह की गैसें हैं, हेलोजन समूह की गैसें हैं, जबकि आयोडीन एक नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है और जिसमें चमक होती है। इस तरह आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, होमबोर्ट जलसंधि निम्न में से किन दो देशों को अलग करती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है होमबोर्ट जलसंधि, तो ईरान ओमान को अलग करती है। तो होमबोर्ट जलसंधि ईरान एवं ओमान को काटती है, सॉरी फॉर दिस, काटती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इनमें तो प्रायद्वीपीय पठार पूछा है ना, तो अन्नाई मुड़ी है सबसे ऊंची चोटी। तो प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी कितनी? 2695 मीटर, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलई पहाड़ियों में स्थित है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोड्डा बेटा है, जो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है इनमें से? हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा? फ्लोरीन ब्रोमीन या क्लोरीन या आयोडीन तो हो नहीं सकता, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या है? हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील और अधात्विक तत्वों की श्रृंखला है जिसमें क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटिन, इनमें सर्वाधिक जो अभिक्रियाशील है वो फ्लोरीन है। सर्वाधिक अभिक्रियाशील क्या है? फ्लोरीन है, फ्लोरीन। इसमें जो सर्वाधिक अभिक्रियाशील है ना हेलोजन में, वो क्लोरीन नहीं है, ब्रोमीन नहीं, आयोडीन नहीं है, वो फ्लोरीन है, फ्लोरीन।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सब्सक्राइब कर लेना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को यूट्यूब पर, ये लोगों को याद रखना, और बाकी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, एक लाइक कर देना अगर टेस्ट पसंद आ जाता हो। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए 10 MCQ, 50 MCQ, 20 MCQ, 15 MCQ जितने भी सॉल्व करने हैं, ताकि बात का बर्डन कम हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, जुड़े रहिए।